गाइस, आप पिछले 5 साल से यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो। 5 सालों में बहुत सारी चीजें बदली होंगी आपके जिंदगी में और मेरी जिंदगी में भी, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है मेरे बाल। मेरे बाल नहीं बदले हैं। इसकी जो लेंथ थी, जो वॉल्यूम थी, जो शाइन थी, वो आज भी बरकरार है। और इसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे, और आए दिन मैं अलग अलग तरीके के स्वादिष्ट पापड़ बेलती हूँ बालों के लिए, और बालों की हेल्थ काफी अच्छी बनी रहती है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बालों की लेंथ, हेल्थ, शाइन, वॉल्यूम, मोटापन, कालापन बना रहे आपके बालों में, तो इसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे मेरे कुछ टिप्स, कुछ DIYs। बहुत सारे DIYs शेयर किए, लेकिन आज का जो DIY मैं शेयर कर रही हूँ ना, वो आपके बालों को बहुत ही अच्छी तरीके से मोटा, घना, काला, लंबा और बहुत ही ज्यादा शाइनी, ग्लॉसी बना देगा। आपके बाल जो रूखे थे, झाड़ू जैसे थे, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जो टूटते रहते थे, वो टूटना बंद होंगे। ऑल दो जिन बालों की उम्र पूरी हो चुकी है, जो बाल बूढ़े हो चुके हैं, वो तो डेफिनेटली टूट के गिर जाएंगे, लेकिन जो नए बाल आएंगे वो मजबूत होंगे और उनकी जो डेंसिटी होगी वो काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। दूर दूर, एक दूसरे से दूर घर नहीं बसाएंगे बाल, बाल एकदम पास पास होंगे और घने दिखेंगे। बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगी और लेंथ, तो आप देखो मेरे ही बाल कितने लंबे हैं। ये इसलिए हो पाएंगे क्योंकि पिछले कम से कम 14-15 सालों से बाल तो मेरे टूटे ही नहीं हैं। और मतलब जो एक बाल है जो उगा उगते गया, 14-15 साल से उगते गया, लंबा होता गया, मतलब 15 साल तक मेरे बाल ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, तभी तो वो इतने लंबे हैं। अब कुछ तो मैं करती हूँ जिसकी वजह से लंबे हैं। अब वो क्या करती हूँ वो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखो। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करते हैं हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल और हाउ टू ग्रो हेयर फास्टर। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी DIY रेसिपी शेयर करूँ, उससे पहले मैं आपको एक रेडीमेड सॉल्यूशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ये आसान है, इफेक्टिव है, अफोर्डेबल है, और क्या चाहिए आपको। तो अगर आप चाहते हो आपके बालों का हेयर फॉल कंट्रोल करना, तो ऐसे वैसे शैम्पू लगाना बंद कर दो जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं। आजकल बहुत सारे मार्केट में शैम्पूज हैं जो दिखावा करते हैं कि कितने अच्छे हैं, लेकिन असल में सिर्फ केमिकल्स होता है। आप ट्राई कर सकते हो प्याज वाला शैम्पू। हम सबको पता है प्याज का प्रोडक्ट अगर हम बालों में लगाते हैं तो बालों की उम्र बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप रेडीमेड सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं प्याज से रिलेटेड बहुत सारी रेंजेस दिखाती हूँ हेयर केयर प्रोडक्ट की, विच इज फ्रॉम गुड वाइब्स अनियन हेयर केयर रेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं अनियन प्याज की फ्रॉम गुड वाइब्स, जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। जब भी आप बालों में तेल लगाते हो, ये प्याज वाला तेल उठाओ, इसके अंदर प्याज की गुणवत्ता है, पैराबेन, केमिकल, SLS नहीं है। जरा सा तेल लेना है, बालों में अच्छी तरीके से चंपी करनी है बस, और कुछ नहीं करना। इसके अंदर एडेड कोई भी DIY रेमेडी करने की जरूरत है, रेडीमेड सॉल्यूशन रेगुलरली लगाना है। और शैम्पू करने के लिए भी आपको प्याज वाला शैम्पू यूज करना चाहिए, विच इज अगेन फ्रॉम गुड वाइब्स अनियन शैम्पू, जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। आपको पहले पानी लेना है, उसके अंदर शैम्पू ऐड कर दीजिए आपके बालों की लेंथ के हिसाब से, उसको अच्छे से घोल दीजिए, एंड देन उसको अपने गीले बालों में लगा लीजिए। बस थोड़ी देर आप मसाज कीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बाल धो लीजिए। शैम्पू करने के बाद ना कंडीशनर जरूर लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये ना स्किप कर देते हैं, कंडीशनर आपके बालों को और ज्यादा सॉफ्ट कर देता है। सो अगेन आप ट्राई कर सकते हैं गुड वाइब्स अनियन हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर, जिसके अंदर कोई भी पैराबेन, केमिकल, SLS नहीं है। बालों में जब शैम्पू कर लेते हो ना, तो पूरा पानी निचोड़ दो, उसके बाद ये कंडीशनर लो। जरा सा आपको कंडीशनर लेना है, काफी अच्छी सी कंसिस्टेंसी में है ये, अपने बालों में अच्छी तरीके से पूरे लेंथ में लगा दो, एंड दैट्स इट। 2-3 मिनट के लिए बालों को ऐसे ही छोड़ दो, उसके बाद नॉर्मल वाटर से बाल धो लो। इंस्टेंटली आपको फील होगा आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट, नरिश्ड, मॉइस्चराइज हो गए हैं, और धीरे धीरे आपके बालों की खोई हुई शाइन वापस आ जाती है। अगर आप महीने में एक आध बार हेयर स्पा करना चाहते हो, तो पार्लर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे प्याज वाला हेयर स्पा भी कर सकते हो। उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो गुड वाइब्स का अनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर मास्क। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये तो बात होगी रेडीमेड सॉल्यूशन की, अब बात करते हैं DIY। DIY हम सबको बहुत पसंद है क्योंकि घर की चीजों से घर में बना सकते हैं, पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, और 100% इफेक्टिव होते हैं। साइड इफेक्ट का चांस तो होता ही है, फिर भी आप पैच टेस्ट जरूर करना कुछ भी नई चीज ट्राई करने से पहले। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, मेरा ये दावा है, प्रॉमिस है, ये वाली हेयर केयर रेमेडी ट्राई करोगे तो आपको कोई और रेमेडी की तरफ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंटिल अनलेस वो आपको सूट करे। अगर 1% कुछ लोग होते हैं उनको DIY सूट नहीं करता, तो फिर उसका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप ट्राई करते हो, ये चीजें सूट करती है, तो आपके बाल लंबे, घने, काले, मोटे, बहुत हेल्दी हो जाएंगे, उनकी उम्र लंबी रहेगी। एक बार ये हेयर रेमेडी ट्राई करो, इंस्टेंटली आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पहले आपके कितने 100-100 बाल टूटा करते थे, और अब आपके 2-3 बाल ही हार्डली टूटेंगे। ठीक है, इतनी इफेक्टिव रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। वीडियो देखने से पहले एक बार नहीं, चलो देख लो, आप रेमेडी ही देख लो, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द DIY रेमेडी। इस मिरेकल हेयर टॉनिक के लिए सबसे पहले आपको कलौंजी लेनी होगी। ये किसी भी किराने की दुकान
दुकान पे आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही आप मेथी भी ले लें, ये तो किचन में पड़ा ही होता है। इन दोनों को आप हल्का हल्का कूट लेंगे, थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए एंड देन हम इसको यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मेथी और कलौंजी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे शैम्पू और हेयर मास्क के अंदर बड़ी बड़ी हेयर केयर की कंपनीज होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट में डालती हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। DIY कलौंजी मेथी हेयर टॉनिक को बना लिया ना, आपको कभी भी मार्केट में किसी भी हेयर फॉल स्टॉप करने के शैम्पू कंडीशनर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही बनाओगे, यही लगाओगे और ये आपके बालों की ग्रोथ को दो गुना ज्यादा तेज कर देगा। दोनों ही मेथी और कलौंजी भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपकी जड़ें मर चुकी होती हैं, सो चुकी होती हैं, खो चुकी होती हैं, उन हेयर फॉलिकल में ये जान डालता है, उसको रिपेयर करता है, हेयर ग्रोथ को चालू करता है, हेयर फॉल को बंद करता है। इन दोनों ही इंग्रेडिएंट के अंदर ऐसे तत्व हैं जो आपके बालों को सफेद नहीं होने देते हैं अगर आप रेगुलरली इसका यूज करो तो। इसके अंदर ओमेगा 3 है जो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, आपके हेयर फॉलिकल को भी थोड़ी सांसें मिले, सांसें मिलेंगी तभी तो वो जीवित रहेंगे, जिएंगे और आसानी से आपके बाल टूटेंगे भी नहीं। एक चम्मच लेंगे मेथी, एक चम्मच कलौंजी और 200 मिलीलीटर वाटर ले लीजिए, पैन में डालिए और उसको 5 से 10 मिनट तक पकाइए, छानिए एंड देन स्प्रे बॉटल में या किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए। इतना ही मिरेकल टॉनिक है कि आपका स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन हो रहा होगा उसको ठीक कर देगा। इन्फेक्शन की वजह से इरिटेशन होता है, हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ होता है, तो ये उसको भी ठीक करता है। हेल्दी हेयर चाहिए हमें, रूखे सूखे बेचान टूटे फूटे बाल नहीं चाहिए, हमें ब्रेकेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे बाल हमारे जड़ों से जुड़े रहें। तो हेल्दी खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, लाइफस्टाइल तो ठीक करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक्सटर्नली आपको ये DIY हेयर टॉनिक लगाने के लिए मैं हाईली रेकमेंड करूंगी। इसे बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है, जेब से ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा और ये हेयर टॉनिक आपके बालों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की है, बाल काले नहीं है, मोटे नहीं है, घने नहीं है, बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है ना आपके बालों की, रूखे सूखे बेजान बाल, उन सबको ये ठीक कर देता है। इतना ही आसान है इसको बनाना और लगाना। अगर आप इसको स्प्रे बॉटल में डाल लेते हो या नॉर्मल कटोरी में ले लो, बस अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाओ, सबसे पहले जड़ों में लगाना, लेंथ में नहीं लगाना, अभी पहले जड़ों को पोषण दो। जब जड़ आपके जो बंजर बन चुके उसको आप अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो इस टॉनिक से, जब लगे कि अच्छे से स्कैल्प में लगा लिया है तो आप बालों की लेंथ भी लगा लो। इस एक रेमेडी के बाद आपको बालों के लिए कोई और रेमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल पैच टेस्ट एक बार जरूर कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना, यूज करने के बाद फर्स्ट वॉश में ही आपको डिफरेंस नजर आएगा। जहां आपके 100 बाल टूटते थे, यहां आपके एक दो बाल ही टूटेंगे। आप इस हेयर टॉनिक को अपने बालों में लगा लेते हो, उसके 2 घंटे बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो, रेगुलर शैम्पू कंडीशनर जो आप करते हो वो कर लीजिए, दैट्स इट। नियम बना लो, हर संडे ये करो। मैं रेकमेंड करूंगी हफ्ते में 2 बार करो, 1 महीना करोगे ना तो आपको बहुत 100% इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो जरूर ट्राई करना इस DIY को। अगर आपको मेरी रेमेडीज पसंद आ रही होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको इतनी सारी चीजें बताती हूँ, बदले में छोटा सा सब्सक्रिप्शन चाहती हूँ जो कि फ्री में है, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओ बिना कुछ खर्च किए हुए। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, कुछ सीख के जाओगे, अपनी स्किन को हेल्दी बनाओगे और बालों को भी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन। टिल देन अमायरा का इंस्टा आईडी फॉलो कर लेना, मेरी छोटी सी बिटिया है, उसकी बहुत क्यूट क्यूट फोटोज में डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो amayrashama.2022। एंड हमारा ब्लॉगिंग चैनल है Mr. & Mrs. Prince, तो अगर मेरी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखनी है तो वहां जरूर हमें फॉलो करना। Okay, that's it. Bye, guys.